हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि करंट बुकिंग कब और किन किन ट्रेनों में करंट बुकिंग बुकिंग किया जा सकता है। कंफर्म टिकट आप अभी करंट बुकिंग टिकट बुक करके आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, और ट्रेन खुलने से 4 घंटा पहले। अगर आप कोई भी ट्रेन में 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा या 15 घंटा तक का कोई सफ़र करना चाहते हैं तो आप इजीली ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं कंफर्म, वो भी ट्रेन खुलने से 4 घंटा पहले। उसी को करंट बुकिंग बोला जाता है। और करंट बुकिंग का जो टिकट होता है वो लगभग सभी ट्रेनों में उपलब्ध रहता है, सभी ट्रेनों में मिलता है। ठीक है, आप ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि जो लॉन्ग दूरी जो तय करती है, मतलब जो भी ट्रेन है अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस तक सफ़र करती है, ज़्यादातर करके उसी ट्रेन में आपको करंट बुकिंग टिकट बुक करना है। उसमें ज़्यादातर करके आपको टिकट खाली मिलता है और आपको करंट बुकिंग में अवेलेबल भी मिलता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को लाइव ही दिखाऊंगा कि देखिए आप मतलब करंट बुकिंग लगभग सारी ट्रेन में बुकिंग कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 2 ट्रेन का एग्जाम्पल देकर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि ये ट्रेन में लगभग एनी टाइम आपको करंट अवेलेबल आते रहता है और आप इस करंट अवेलेबल का फ़ायदा भी उठा के आप कंफर्म टिकट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि करंट बुकिंग का जो टिकट होता है वो आपका स्टार्टिंग से लेके अंत तक, मतलब जहां से ट्रेन खुलती है और जहां तक जाती है वहां तक का करंट बुकिंग आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आप बीच के पैसेंजर, अगर आपको बीच में उतर जाना है तो आप आराम से इजीली कंफर्म टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो वो टिकट आप लोगों के लिए होता है। तो चलिए आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज 30 जून है, हावड़ा से दीनदयाल उपाध्याय तक मैं आज का डेट में सर्च ट्रेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि राजधानी एक्सप्रेस हो रहा है 2 ठो, जो कि दोनों के टाइमिंग सेम है, 4:50 में दोनों गाड़ी हावड़ा से न्यू दिल्ली के लिए रवाना होती है। तो इन दोनों गाड़ी का चार्ट लग चुका है, देखिए नॉट अवेलेबल शो हो रहा है। ठीक है, ये राजधानी है। ठीक है, तो ये गाड़ी मुगलसराय होके आपका न्यू दिल्ली जाती है। ठीक है, तो जैसे कि इसका हम देख लेते हैं कि गाड़ी कहाँ का इसका स्टॉपेज है। मैं क्या बोला था कि बीच के स्टेशन में आपको कन्फर्म सीट मिलेगा, तो मुगलसराय तक नहीं है। मुगलसराय के पहले देख लेते हो तो इसमें गया जंक्शन दिखा रहा है। ठीक है, मुगलसराय के पहले अगर गया तक अगर अवेलेबल होगा तब गया तक भी टिकट बुकिंग कर सकते हैं, जो लोगों को गया उतरना होता है। ठीक है, तो मैं दोनों ट्रेन जो है गया और मुगलसराय होते हुए दिल्ली जाती है। ठीक है, तो जिससे कि इसमें भी देख पा रहे हैं गया के बाद मुगलसराय स्टॉपेज शो हो रहा है। ठीक है, इसका स्टेटस आपको चेक कर लेना है वेयर इज माई ट्रेन में। तो अब मैं एक काम करता हूँ, हावड़ा से गया तक टिकट मतलब सर्च करके देखता हूँ कि अवेलेबल है या नहीं। तो ठीक है, तो गया तक मैं सिलेक्ट, इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि इसमें अवेलेबल हो रहा है एक टिकट जो हावड़ा से गया तक दिखा रहा है। इसमें देखिए सियालदह से गया तक आपका 11 टिकट अवेलेबल शो हो रहा है। सेम इसी तरह से आप भी अपना जिस ट्रेन में टिकट बुकिंग करना चाहते हैं और बीच में ही उतरना चाहते हैं तो आप इजीली ऐसे सर्च करके आप अपना कन्फर्म सीट बुक कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको एक और ट्रेन का स्टेटस मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज ही के दिन में हावड़ा से लेकर बनारस तक एक हावड़ा अमृतसर मेल है जो 13005 ट्रेन नंबर है, जो कि आपको 7:15 में हावड़ा से खुलती है। इसका आप देखिए स्लीपर में और थर्ड एसी में सब में आपका रिग्रेट्स हो रहा है, मतलब आपको वेटिंग टिकट भी नहीं मिला। ये ट्रेन जो है 3 दिन का सफ़र करती है हावड़ा से लेकर अमृतसर तक। तो हावड़ा से अमृतसर तक जिनको भी बीच में अगर उतर जाना, जैसे पटना हुआ, मुगलसराय हुआ, बनारस हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, अमेठी हुआ, मतलब और भी बहुत सारे स्टेशन है जिनको बीच में उतरना है, वो इस ट्रेन में अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। चार्ट लगने के बाद उनको कंफर्म सीट मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि इसमें रिग्रेट्स हो रहा है, जैसे ही इसका चार्ट प्रिपेयर होगा वैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए इसमें करंट अवेलेबल आया और कहां तक आया। ये शुरू से लेकर लास्ट तक इसका बुकिंग नहीं होता है। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि ये स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जो ट्रेन जाती है उसमें आपको कंफर्म टिकट शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं मिलेगा। आपको अगर बीच में उतरना है तो आप आराम से इजीली टिकट बुक कर सकते हैं, अगर 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा का रास्ता होगा तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हावड़ा से बनारस तक इसमें 30 सीट अवेलेबल शो हो रहा है। देखिए 130 सीट, तो ये बनारस तक, अभी रिग्रेट था लेकिन पटना तक आप चेक करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, इसी ट्रेन में 13005 में, तो देखिए इसमें पटना में देखते हैं 160 सीट अवेलेबल शो हो रहा है और इसी में 41 सीट करंट बुकिंग में शो हो रहा है। ठीक है, तो पटना तक चेक कर लिया हूं मैं, बनारस तक चेक कर चुका हूं मैं। अब बनारस के आगे जैसे कि आप भदोही देख रहे हैं, ठीक है, भदोही मतलब अब एक एक स्टेशन बात करके मैं चेक करके आप लोगों को दिखा रहा हूं कि मतलब उसमें सीट कितना मिलता है, कितना नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं होता है कि एक ट्रेन में कहां तक करंट अवेलेबल मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं भदोही तक मैं सर्च कर चुका हूं, भदोही तक देखिए इसमें 5 सीट अवेलेबल दिखा रहा है। कहां आपको बनारस तक आपको 120 सीट अवेलेबल दिखा रहा था, वही आपको भदोही में सिर्फ 5 ही सीट अवेलेबल शो हो रहा है। ठीक है,
तो इसके बाद मैं आप लोगों को भदोही के आगे जो स्टेशन है, अगला स्टेशन होता है, ठीक है, अब उसको मैं सर्च करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ जंघई जंक्शन, ये भदोही के आगे पड़ता है और ये अमृतसर एक्सप्रेस वहाँ पर रुकती है, अमृतसर मेल। तो उसमें अब देखिए इसमें कितना सीट अवेलेबल हो रहा है, इसमें भी अभी 5 सीट ही अवेलेबल हो रहा है। मतलब ये गाड़ी हावड़ा से खुलती है, अमृतसर जाती है, ठीक है। तो अभी फिलहाल 15 से 17 घंटे तक का दूरी तक मैं देख रहा हूँ, तो अभी तक इसमें करंट अवेलेबल शो हो रहा है, ठीक है। जंघई में देख लिया, इसके बाद प्रतापगढ़ एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, प्रतापगढ़ तक अवेलेबल हो है कि नहीं। प्रतापगढ़ भी बहुत सारे पैसेंजर जो उतरते हैं वहाँ पे, मतलब तो जिससे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें प्रतापगढ़ तक सिर्फ 4 सीट करंट अवेलेबल में शो हो रहा है, जो कि इसके पहले बनारस तक आपको बहुत ज़्यादा सीट अवेलेबल रहता है, इधर में बहुत कम ही चांस रहता है मिलने का, एक आध बार मिल भी जाता है। सेम इसी तरह से आप भी कोई ट्रेन में अगर सफ़र करना चाहते हैं तो आप उस ट्रेन का चार्ट लगने के बाद आप एकदम स्टेप बाई स्टेप ईजिली आप वेयर इज माई ट्रेन या आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप किसी भी ऐप से आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके आप देख के अपना चेक करके करंट बुकिंग इजीली टिकट बुक कर सकते हैं। बहुत आसान होता है ये टिकट बुक करना, ठीक है। ये लगभग सभी ट्रेनों में होता है, ज़्यादातर करके जो ट्रेन दूर तक जाती है उसमें खास करके ज़्यादा बुकिंग होता है। आप सभी ने देख लिया होगा कि टिकट रिग्रेट्स हो रहा है, जो कि वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा था, वो चाहे हावड़ा से अमृतसर या बीच के स्टेशन में भी आपको वेटिंग टिकट तक नहीं मिला, रिग्रेट्स हो रहा है। कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है कि इसमें आप टिकट कंफर्म मिलने का चांस है या नहीं, क्योंकि वेटिंग भी खत्म हो चुका है। तो आप लोगों के सामने मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि रिग्रेट होने के बाद भी सीट अवेलेबल मिलता है करंट बुकिंग के दौरान, ट्रेन के चार्ट लगने के बाद। सो आई होप कि आप सभी को हमारी जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो तक पहुँच सके।